मैं श्योपुर से ही आया हूँ। यहाँ पे कूनो में अभी 27 चीते हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें एक चीता देखने को मिला। हमने पवन चीता को देखा। आज हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं जो हमें पवन चीता को आज देखने को मिला। क्या क्या सुविधाएं हैं, लोग बड़ी उत्सुकता से यहाँ आते हैं पर्यटक? आप तो तमाम जगह घूमे होंगे, अब यहाँ कूनो चीता का दीदार पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कूनो में देखने को मिल रहा है। सर अभी सुविधाएं यहाँ पे कूनो में जिप्सी सफारी में जैसे हम कर रहे हैं, अंदर कई सारे कैंप्स बने हुए हैं फॉरेस्ट के, पानी की सुविधाएं, वॉशरूम यहाँ पे गेट्स पे उपलब्ध हैं और गाइड्स भी यहाँ पे प्रॉपर हमें जानकारी देते रहते हैं बीच बीच में, हम क्या नियमों को पालन करना है क्या नहीं करना है, जिप्सी से हम नहीं उतर सकते, जो जो नियम है, शोर शराबा हमें नहीं करना है, कोई भी कचरा हमें जंगल में नहीं फेंकना है और चीतों को हमें संरक्षण करना है, इसके बारे में भी काफी जानकारी हमें देते रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि की बात करें तो पर्यटकों के लिए सुरक्षा की दृष्टि क्या है, जैसे तमाम तरह के जानवर मिलते हैं? सर सुरक्षा की दृष्टि से हमने देखा है कि जो ड्राइवर्स हैं और जो जिप्सी चालक हैं और जो गाइड्स हैं वो व्हीकल का एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं जानवरों से, काफी दूरी उनसे रखते हैं ताकि कोई जानवर भी डिस्टर्ब ना हो और पर्यटक भी पूरा उनका लुफ्त उठा सके और उनको देख सके, और हमें बीच बीच में पर्याप्त जानकारी भी देते रहते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है ताकि कोई जानवर हम पे अटैक ना करे और हम भी शांत रहे ताकि जानवर हमसे डिस्टर्ब ना हो। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है फूलो और आप युवा भी हैं, कैसे देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, यहाँ लोग किस तरह घूमने आए, कितना बेहतरीन स्थान है ये? सर हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमारे जिले में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया और हमें यहाँ पे चीता जो भारत में केवल कूनो नेशनल पार्क में ही मौजूद है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और अब जैसे कि आप देख सकते हैं हम चीता दिखने भी लगा है जंगलों में, खुले जंगलों में, तो बहुत खुशकिस्मत है और हम इसको काफी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी मानते हैं क्योंकि अब जनसंख्या भी बढ़ रही है। 27 चीते अभी कूनो में हो गए हैं और पिछले 2-3 महीने में कई सारे यहाँ पे कब्ज भी हुए हैं चीता के, तो हम इसे अब काफी अच्छा प्रोजेक्ट मानते हैं। सर पर्यटकों की आने की संख्या जैसे आप घूम रहे हैं तो कितने लोग वहाँ आपको मिले, क्या लोग लगातार आ रहे हैं? सर अब संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे हम देख रहे हैं पहले थोड़े कम पर्यटक आते थे लेकिन अब चीता प्रोजेक्ट के बाद काफी संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीता दिखने के बाद और भी ये संख्या बढ़ेगी। क्या लगता है आपको, जब जैसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ है तो रोजगार की दृष्टि से भी लोगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा? जरूर सर, रोजगार की दृष्टि से भी काफी फायदा होने वाला है कूनो नेशनल पार्क के आसपास के सभी ग्रामीण एरियाओं को, गाइड के लिए काफी यहाँ पे प्रयास भी चल रहे हैं, गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रही है और लोगों को नए रोजगार भी यहाँ पे मिलने वाले हैं उम्मीद है।